हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और अभी जो टाइम हो रहा है वो 8 हो रहे हैं। कल भी मैं आपको 8 बजे के अराउंड ही मिली थी। एक्चुअली मॉर्निंग से कोई व्लॉग शूट नहीं किया था मैंने, सो इसीलिए मैं इस टाइम पे आपके व्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ। मैंने कहा सुबह से आज कर नहीं पा रही थी। देखो कितना शोर आ रहा है ना। तनु प्लीज ना शोर ना करो प्लीज। तो वो बच्चे देख रहे हैं टीवी। यहाँ मेरा खाना बन चुका है और मैंने बनाए हैं, ये बनाई है दाल अरहर की, मतलब येलो वाली। और यहाँ चावल बन गए हैं और मूली लाई थी। आज मॉर्निंग में गई थी मैं बच्चों को छोड़ने ना, तो मैं सब्जी लेकर आई थी, जो कि सब्जी यहाँ रखी हुई है ऑलरेडी। अभी इसे भी रखती हूँ सब्जी। और बस इसी वजह से मन नहीं था थोड़ा सा, इस वजह से आपके साथ ब्लॉग शूट नहीं कर पाई मैं। मॉर्निंग में मन नहीं हो रहा था और मुझे किसी ने कहा था कि आप गले में कुछ पहना करो, तो मैंने डाल लिया है अपना मंगलसूत्र। क्योंकि मेरे को गर्मी में प्रॉब्लम रहती है। वैसे गर्मियों में मैं कुछ भी नहीं डाल सकती, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैंने ये डाल लिया है आज, तो अजीब लग रहा है क्योंकि मैं डालती नहीं हूँ ना, तो फिर कुछ दिन के लिए अजीब लगेगा। तो चलो, मैंने पता है संडे में एक काम किया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। एक मिनट, हाँ लाइट ऑन करनी पड़ेगी। ओके ओके सॉरी बंद। पता है संडे में है ना, मतलब व्लॉग तो शूट कर रही थी पर मैंने है ना बहुत ज्यादा काम किया था संडे वाले दिन। पर्दे कर देती हूँ क्योंकि जो खिड़की है ना वो एक आईना बन जाता, आर पार वाला काम हो जाता है। मतलब सब देखते हैं फिर ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो मैं दिखाती हूँ आपको कल मैंने क्या क्या किया था। तो कल मैंने ये वाला जो हमारी अलमारी है इसको मैंने कल ठीक किया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ यहां से। ओके एक मिनट, देखिए यहां से कल मैंने ये सारे इनके कपड़े हैं, ये सारा पूरा ये वाला रैक है ना इन्हीं का है। तो यहाँ पे सारी जींस रखी हैं, कल इसमें से मैंने हटा दी जींस से कुछ जो वो पहनते नहीं थे और भीड़ हो रही थी। कम से कम 3-4 जींस हैं जो मैंने हटा दी हैं। ये सारी टी शर्ट्स हैं, ये इनके गरम हैं जो हुड वुड होते हैं आई थिंक ना। और यहाँ पे भी शर्ट्स हैं, वो नीचे कुछ बहुत सारी शर्ट्स भी हटा दी मैंने जो उनसी आती नहीं है अब उन्हें, या कुछ टाइट हो गई हैं, कुछ बहुत ज्यादा पुरानी हो गई हैं। कल यहाँ पे बच्चों के भी मैंने बिल्कुल ठीक किए थे, क्योंकि है ना न्यूज़पेपर, पता क्या होता है जब बच्चे है ना हमारे में ऐसे 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 करके चढ़ते हैं ना, वो यहीं से न्यूज़पेपर या तो आगे खिसक जाता है या फट जाता है, तो इसलिए मुझे नफरत आती है। तो मैंने ये सारा चेंज किया कल, निकाल के इसको सारा न्यू न्यूज़पेपर्स बिछाए। तो यहाँ पे है मेरे बेटे के, यहाँ जींसे हैं और उनकी पजामी वगैरह है, वहाँ टी शर्ट्स हैं, यहाँ बेटी के हैं दोनों, ये दोनों बेटी के ही हैं, वो दोनों मेरे हैं जो रेगुलर वेयर में मैं पहनती हूँ, ज्यादा नहीं है मेरे पास। नीचे हैं मेरे सारे स्टॉल्स, ये सारे स्टॉल हैं यहाँ तक। देखो बच्चों ने आतंक फिर दोबारा मचा दिया है, कुछ भी निकालते हैं। इसमें मैंने अभी टोपे वगैरह थोड़े बहुत स्वेटर्स वगैरह रखे, इधर मैंने जैकेट्स रख दी हैं बेटी की अपनी, पर इधर मतलब लग रहा है कि खुराफाती करी है बच्चों ने, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है सब। और ऊपर वाला ये वाला रैक भी मैंने ठीक किया था, जो कि फिर दोबारा बच्चों ने कर दिया है, गड़बड़ा दिया है। तो यहाँ पे ये है मेरा एक तरह से ड्रेसिंग कह सकते हैं, मेरे पास नहीं है ड्रेसिंग टेबल ना, तो ये कह सकते हैं। तो ये कप मैंने लिया था अपने बेटी के लिए दूध पीने के लिए, पर पता है क्या होता है जैसे इसे धोने वोने के लिए डाल दो ना, तो इसके अंदर पानी घर भर जाता है और फिर स्मेल आती है, तो उसमें अजीब सी स्मेल आने लग गई थी, फिर मैंने हटा दिया, ये नया का नया ही। तो मैंने इसे कॉम रखने के लिए कर दिया है। ये मेरी बैंगल्स रखे हुए हैं इसके अंदर, सब बैंगल्स चूड़ियां ही हैं, कुछ सेट्स के साथ की हैं, कुछ जो बिल्कुल अवॉइड कर दिया है मैंने, सेट से बाहर निकाल दिए हैं वो हैं, तो वो हैं ये। और चूड़ियां मेरे पे काफी हैं, तो ये तो ऐसी चूड़ियां हैं जो डब्बों के में जगह ही नहीं है, वो वाली चूड़ियां हैं ये। यहाँ परफ्यूम्स वगैरह हैं जो डियो हैं, परफ्यूम है, गुलाब जल वगैरह जो भी है, मतलब मेरा तो आपको एक ही मिलेगा, मैं दिखाती हूँ। ये ओनली वन मेरा है और ये 1 2 3 4 5 इन्हीं के हैं, इनको परफ्यूम का काफी शौक है।
मतलब डियो का, और ये है मेरे नेल पेंट्स और एसेंशियल्स ऑयल्स हैं दो मेरे पे, लेमन और ऑरेंज। नेल पेंट्स हैं, बीबी क्रीम्स हैं, ये सब हैं, ये कोल्ड क्रीम्स हैं, बस इतना ही है। तो कल ये मैंने सारा सेट किया था, ऊपर वाला मुझे अभी सेट करना है। ऊपर सारा ज्वेलरी वगैरह का रखा हुआ है, जो सारा है ना ज्वेलरी ही रखी हुई है, और बैंगल्स चूड़ी वगैरह सब रखी हुई है। क्या बात है, तो बस कल ये सब कुछ हुआ था। अब ये कॉर्नर मेरा रहता है, इसको मुझे ठीक करना है, इस वाले को, क्योंकि इसमें सारा मेरा जो रखा है ना, ऊपर है ड्रायर, स्ट्रेटनर, और ये भी स्ट्रेटनर है, तो यही सब कुछ रखा। और ये जो डेकन है, मैं सोची इसे पैक करके रख दूं, क्योंकि अब ये मैं यूज नहीं करती, चलाती नहीं हूं इसको, अब सिर्फ ओनली ये चलता है, क्योंकि ये मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट ये भी हो जाता है, पर इसमें वायरिंग वगैरह ज्यादा लगती है, ये विदाउट वायर का है, और इसमें बस, और इतना लाउडली बजता है कि यहां बजाओ बाहर तक आवाज जाती है, और मोबाइल से इजिली कनेक्ट हो जाता है, तो मुझे वही बजा। तो मैं सोच रही हूँ उसको पैक करके है ना सबसे ऊपर पहुंचा दूं। तो कल मेरा ये काम था, बहुत टाइम लगा था इनमें, क्योंकि कपड़े मैंने छाटे भी तो बहुत से ऐसे थे जो हम पहनते ही नहीं है, वो भी सब निकाले थे, तो पोटली बन गई थी बहुत ज्यादा, जो कि मैंने बेड में भर दिए। अब मैं बर्तन वाले को दे दूंगी, या फिर देखती हूँ किसी को नीड होगी तो उनको दूंगी, नहीं होगी, मैंने बोला है इनको, क्योंकि इनके भी है ना ऑफिस एरिए में मतलब हैं कुछ लोग जो ले लेते हैं, इन्होंने कई बार जिनसे पैंटे भिजवाई हैं, तो इनके ऑफिस के इधर भी है ना कुछ लोग हैं जो इनके कपड़े ले लेते हैं, और जिनको नीड होती है, तो इन्होंने दो तीन बार पैंट वगैरह भिजवाई है, तो उन्होंने पहनी भी है कई बार, ये जूते देकर आए हैं अपने, तो मैंने बोला था कि उनको देख लीजिएगा, अगर उनको आता है तो आप दे दीजिएगा। तो कल परसों में वो बताएंगे, फिर मैं उसमें से उनको निकाल के दे दूंगी, जिससे क्या है ना, अच्छा है ना, किसी को जरूरत हो तो वो इंसान पहन ले तो बढ़िया रहेगा। तो कल मैंने ये काम किया था, और ये सच में मतलब बहुत टाइम लग गया था, बहुत शॉर्टलिस्ट करे थे मैंने कपड़े, तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। और अगर आप लोगों को मेरा है ना बैंगल्स का कलेक्शन देखना है ना, तो आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो मैं आई बटन पे क्लिक कर लीजिएगा अगर मैं डाल पाई तो, नहीं तो मैं एंड स्क्रीन में जरूर लगा दूंगी, नहीं तो लिंक दे दूंगी नीचे, तो आप देख लीजिएगा। जैसे भी मेरे पास बैंगल्स है, मैंने उसकी वीडियो बनाई है, तो और मैं सोच रही थी आपको अपनी चूड़ियां का कलेक्शन दिखाऊं, काफी चूड़ीज है मेरे पास, पर आप कहेंगे तो पक्का दिखाऊंगी, पक्का, ठीक है। तो चलिए फिर और काम भी देख लेते हैं, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करते ना, अच्छा नहीं, बात नहीं है। हर और दिल्ली में हो गई है ठंड, तो अब खाना पीना हो चुका है काफी हद तक, लोग बच्चों ने भी खा लिया है, इन्होंने भी, और मैं फटाफट से ये सब क्लीन कर रही हूँ। तो यहाँ से सारा सामान पहले समेटने के बाद यहाँ से पूरा रसोई को क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे है ना ये जो कुकर वगैरह इन सबको हटा के, अभी कुकर भी मुझे खाली करना है, देखती हूँ क्या करती हूँ, कई बार क्या होता है मैं सुबह में करती हूँ, तो जब अगर मांझना होता है तो तभी की तभी भी कर देती हूँ। आजकल सर्दी है, सब्जियाँ ख़राब नहीं होती हैं, तो इस वजह से बाहर ही रखती हूँ, तो इस वजह से, तो यहाँ पर साबुन से इसलिए साफ कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं आज टाइम था तो मैंने कहा चलो कर देते हैं, जल्दी जल्दी काम हो जाता है तो अच्छा रहता है। और यहाँ गीले कपड़े से साफ कर दूँगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो किचन मेरी ऑलमोस्ट बिल्कुल क्लीन हो गई है, बस बर्तन रह गए हैं मेरे मांझने के लिए, और थोड़े बहुत मैंने क्लीन भी कर लिए हैं, मांझ भी दिए हैं, बस थोड़े बहुत रह गए हैं, उनको मैं अभी करूँगी थोड़ा सा रख। तो अभी जो टाइम हो रहा है ना वो 7:00, 6:30 हो गए हैं, और मैं अभी आपको इस टाइम पे मिल रही हूँ, तो बस कुछ नहीं, काम वाम कर रहे हैं और खाना पीना बना रहे हैं, और देख रही हूँ आज क्या बनाती हूँ। पालक है तो मन तो नहीं कर रहा,
बनाने का, पर देखती हूँ कुछ तो बनाना पड़ेगा। और अभी दूध उबल रहा है, अपने लिए चाय बना लेती हूँ पहले, और चाय बनाते बनाते देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, क्योंकि सब्जी का कुछ समझ नहीं आ रहा, रखी भी है। चलो देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं, तो फिर थोड़ी देर में बात करती हूँ। पहले मैं खुद अपना दिमाग लगा लूँ कि मैं क्या बनाऊँ। सब्जी तो रखी है, मतलब गोभी भी है, आलू मटर भी है, गाजर भी है, पर इस टाइम पे मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। चलो देख लेते हैं क्या बनता है क्या नहीं, फिर मैं बताती हूँ। तो मैं कोई आलू पालक या कुछ नहीं बना रही, मुझे समझ में आया क्योंकि सब्जी रखी हुई थी दोपहर की ना, तो फिर मैंने दो बैंगन काटे हैं और दो छोटे से आलू काटे हैं, तो मैंने कहा चलो ये सूखी सब्जी बना देते हैं, और मैं सब्जी रखी भी है तो वो भी हो जाएगी, दोनों सब्जियां हो जाएंगी। फिर पालक बनाती हूं, अब मैं पालक साफ करके रख लूंगी अभी और सुबह बना दूंगी। इसमें मैं कुछ सिंपल तरीके से बना रही हूँ, बिल्कुल टमाटर इसमें मैं बाद में डालूंगी। बस प्याज और हरी मिर्च का तड़का दिया था, देख बस अब इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर दूंगी और इसे ढक के रख दूंगी। तो मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं, नमक, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर ऐसे ही पकाऊंगी, और फिर थोड़ी देर बाद आधा कप पानी डालूंगी इसमें, ये थोड़ी सी सॉफ्ट सॉफ्ट सी बन जाए। तो मेरी चाय भी बन गई है, दूध भी उबल गया, तो मैं बच्चों को दे देती हूँ। तो मैंने भी अपनी चाय ले लिया, बच्चों को भी दूध दे दिया है, तो चलो आप भी पी लीजिएगा चाय, बच्चे अपना दूध पी रहे हैं। तो मेरी सब्जी भी छूक गई है, मैंने सब्जी भी छूक दी है, मतलब रख दी है बनाने के लिए। अब बस थोड़ा सा आटा लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना, और फिर हमारा मोस्टली काम खत्म हो जाएगा। और अभी मेरे को कटिंग करनी है, आज रात में कटिंग करके रख लूंगी ना, तो कल सिलने लग जाऊंगी। हस्बैंड ने आज जाना था, इन्होंने आज जाना था मतलब टूर पे, क्योंकि इनका हर महीने का होता है, जाना ही होता है। तो पर अभी मैंने फोन किया था तो पता नहीं क्यों, शायद रिजर्वेशन नहीं हुई क्या नहीं हुई, और ठंड बहुत जबरदस्त हो रही है, बल्कि कोहरा हो रहा है यहाँ पे भी देहरादून में भी, तो बहुत जबरदस्त हो रही है, इस वजह से अच्छा है नहीं जा रहे, तो थोड़ा दिन डट के चले जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो चलो मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो आपको लग रहा होगा कि मैं अभी चाय पीती पीती कहाँ आ गई हूँ, एक्चुअली ये मेरे लिए शूज लेकर आए थे, तो जो कि मुझे शूज पसंद नहीं आए, तो क्योंकि सर्दियाँ हो रही है, ऑलरेडी मेरे पास एक जोड़ी था, और मैं कोई ज़्यादा शूज़ फ्रेंडली नहीं हूँ, मतलब लवर नहीं हूँ, तो इसी वजह से ये मेरे लिए लेकर आए शूज़ के, अच्छा रहेगा जींस पे पहनने के लिए। तो फिर मुझे वो मैं चेंज करने के पर्पस से आई थी, और मैंने ना शूज़ चेंज करने के बाद अच्छा चल फिर ये मुझे एक दो जगह ले गए कि चल जैकेट ले लेते हैं तेरे लिए, क्योंकि मैं इनसे काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि मुझे भी लेने हैं तो गर्म कपड़े। तो हम यहाँ पे हमारे यहाँ पे है ना ब्रांड फैक्ट्री का मतलब मॉल है, तो हम उधर गए, तो उधर तो वही है कि हर फिर अपने घुस गए, फिर हमारा यहाँ पे टाइम लग गया सारा। तो जूते तो चेंज मैंने कर ही लिए थे, जैकेट था वो जो कि मुझे समझ नहीं आया, और ब्रांड फैक्ट्री का बंद होने का टाइम हो गया था क्योंकि 10 बज चुके थे, तो इसलिए फिर हम वापस घर आ गए, और मैं आपका व्लॉग का एंड नहीं कर पाई। तो मैं आपको यहीं से ही बाय बाय बोलती हूँ, मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और मैंने क्या क्या लेकर आए थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, नहीं तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएंगी। और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा प्लीज़ गाइस, आप लोगों का ही चैनल है, और मैं और अच्छी वीडियोस लाने के लिए पूरी पूरी कोशिश करती रहूँगी। तो थैंक यू फॉर योर लव लव
एंड केयर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपकी से, बाय बाय।